अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू बेटा? ओपन योर साइंस वर्क बुक पेज नंबर 17, राइट डाउन डेट एंड डे। टुडे इज 16/7/20 एंड द डे इज थर्सडे। नाउ द क्वेश्चन इज मूवमेंट्स। यू नो व्हाट इज मूवमेंट? एनी एक्शन यू परफॉर्म, कुछ भी जो आप करें, ओके, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। The question is try to perform these movements. You have to perform these movements and then write which body parts are involved. कि जब आपने ये movement की तो कौन से body part involved हुए, use हुए? The body parts, you have a body parts, you have eyes, nose, hand, legs, जो भी आपके parts of body हैं, these are called body parts, आपके जिस्म के हिस्से हैं, okay? In the first picture, a boy is skipping a rope. अब मुझे बताएं कि इसमें कौन सी मूवमेंट यूज़ हो रही है? यस, ही यूजेज हिज लेग्स एंड हैंड्स। उसने अपने हैंड्स भी यूज़ किए और लेग्स भी। दिस मैन इज स्ट्रेचिंग हिज फीट, देन ही यूजेज हैंड एंड फीट। अ मैन इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग कर रहा है ना, तो ये किससे रीडिंग कर रहा है? यस, ही यूजेज हिज आइज एंड हैंड्स। उसने आइज से पढ़ और हैंड्स में पकड़ी हुई है। देन यस, कराटे हम करते हैं ना स्कूल में, तो दिस इज द एक्शन। इन दिस एक्शन ही विल यूज हिज लेग्स, हैंड्स एंड रिस्ट। रिस्ट इसलिए कि देखिए अपनी कलाई, ये रिस्ट कहते हैं जिधर हम वॉच घड़ी बांधते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्ट। दिस इज द रिस्ट, दिस ही यूज ये जो आप करते रहते हैं सारा टाइम, दैट्स रिस्ट, WRIST, रिस्ट, ओके, दिस इज रिस्ट। देन अ बॉय इज टचिंग हिज फुट और ही इज बेंड डाउन, वट एवर यू से। तो इन दिस मूवमेंट ही यूजेज हिज बैक, एंड बैक कहते हैं इसकी कमर को, देखो ना इस कमर से वो नीचे झुका हुआ है, एंड ही यूजेज हिज आर्म, उसके बैक से वो झुका है, बैक कहते हैं कमर को, और उसने अपना हैंड डाउन किया हुआ है, ओके, ही इज डाउन, ओके। दिस मूवमेंट इज यूज हिज आर्म एंड बैक। Then a boy is playing cricket. Yes, when you are playing cricket, you use your hands and leg. ऐसे ही होता है ना? Okay. These are the movement. You have to write the body parts. And then this is a question. Which part of the body do cat use to hold things? Cat. देखिए. अब मुझे बताएं वो कौन सा body part use करती है to hold things? Cats के hand ही होते हैं. No, he uses legs. वो अपने जो legs है वो use करते हैं किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए। He uses legs. Cats uses legs. Okay, he has four legs. Okay, now turn the page. Page number 18. Now you have to write down date. 16/7/20 and the day is Thursday. Okay, this is the activity. Leave it. And the question is, how does it smell? Smell, yes, smell is a sense. अब आप बताएं how does it help you? या how does it smell? इसकी smell कैसी है? आपको पता smell कैसी होती है? कुछ कहते हैं ना, मामा बिरयानी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और कभी कभी आप कहते हो मामा एक गंदी सी स्मेल आ रही है, अजीब सी। तो स्मेल होती है, ठीक है, जो हमारे सूंघने की हिस होती है कि हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही, कभी खट्टी लगती है, कोई चीज़ मीठी लगती है, ओके। अब हेल्प हमें उन्होंने इन वर्ड से दी भी है, प्लेजेंट, द वर्ड इज़ प्लेजेंट। प्लेजेंट होते जो आपको अच्छी लगे, अनप्लेजेंट जो आपको गंदी अच्छी ना लगे, स्ट्रॉन्ग जो स्मेल बहुत तेज़ हो, कोई परफ्यूम की हो जाए, किसी मिंट की हो जाए, किसी चीज़ तेज़ जिसे कहते हैं सॉफ्ट, धीमी धीमी प्यारी सी, स्वीट मीठी मीठी सी, देन सॉल्टी नमक वाली, देन स्टिंकी, स्टिंकी होते अनप्लेजेंट गंदी, देन जो चीज़ ख़राब हो जाए कोई स्टिंकी सी, ठीक है, देन पंजेंट, पंजेंट होते जैसे प्यास की अजीब सी स्मेल नहीं आती,
उस टाइप की होती है, एसिडिक होता है, तेज़ सी होती है कि एकदम आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और तेज़ होती है। देन बिटर, बिटर कहते हैं बेटा कड़वी, बिटर कहते हैं कड़वी को, जैसे करेला होता है कड़वा, और आपकी मेडिसिन होती है कड़वी का, आप कहते हैं हम नहीं खा रहे गंदी कड़वी है, इट्स बिटर। देन टैंगी, यू नो द टैंग, टैंग खट्टा मीठा होता है ना, तो टैंगी इज सोर एंड स्वीट, जैसे लीमू होता है खट्टा मीठा सा, टैंग। ओके, टैंग से टैंगी, इजी। ओके, अब आपने ये वर्ड्स यूज़ करने और मुझे बताना है। द टूथपेस्ट स्मेल इज, जो आपका पेस्ट है जिससे आप अपने रोज़ टीथ ब्रश करते हो, उसकी स्मेल कैसी है? स्वीट, मीठी मीठी सी, अच्छी होती है, तभी तो हम उसे अपने टीथ ब्रश करते हैं। अगर वो गंदी होगी तो हम कभी भी उसे करेंगे? नो। देन द फ्लावर स्मेल, फूल की खुशबू कैसी होती है? प्लेजेंट, अच्छी लगती है ना हमें, जैसे रोज़ है, लिली है, जैस्मिन है, अच्छी अच्छी खुशबू होती है ना। मिंट, बेटा मिंट कहते हैं पुदीने को। ओके, द मिंट स्मेल इज स्ट्रॉन्ग, तेज़ होती है एकदम, बहुत तेज़ सी। द सोप, सोप कहते हैं साबुन को, द सोप स्मेल इज सॉफ्ट, मीठी मीठी। द लेमन, खट्टा खट्टा मीठा मीठा सा, द लेमन स्मेल इज यस टैंगी। ओके, टैंगी। देन सॉल्व द रिडल्स। ओके, नाउ दे विल गिव अस अ हिंट एंड वी विल टेल व्हाट इज दिस। ओके, आई विल पुट अ हैंड ओवर हेयर एंड नाउ यू विल टेल। आई एम समथिंग दैट ही हेल्प यू मूव। अब वो क्या चीज़ है जिससे हम मूव करते हैं? आई एम नॉट अ व्हील, व्हील कहते हैं पहिए को। एज आई एम अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, वो हमारी बॉडी का एक पार्ट है। विद अ सोल एंड हील, उसमें सोल भी होती है, हील भी होती है, और हमें मूव करने में मदद देता है। यस, इट्स अ फीट, हमारे पाँव। देन आई एम अ पार्ट ऑफ बॉडी अटैच टू योर रिस्ट, अगेन रिस्ट, रिस्ट मैंने आपको बताया था कलाई को कहते हैं आपके हाथ। वेन आई हैव बिन कर्ल्ड अप, आई एम ऑल्सो नोन एज फिस्ट, फिस्ट कहते हैं बेटा हैंड को, द फिस्ट इज कॉल्ड हैंड। ओके, फिस्ट इज हैंड। वट आई एम, आई एम हैंड, जिसमें रिस्ट भी होती है और हम देखें अपनी मूवमेंट करना, तो दैट इज हैंड, जो मूव करने में मदद दे दैट इज फीट, जो हमारे रिस्ट के साथ अटैच हो दैट इज कॉल्ड हैंड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिस्ट। देन ऑल दो इट इज़ नॉट अ सर्टेन, दिस गेट क्लोज एवरी नाइट, हम हर रोज़ रात को बंद करते हैं, सो दैट यू गो टू स्लीप, और हम सो भी जाते हैं उसको बंद करके। इट वट्स गिव यू टू साइट, और ये हमें देखने में, साइट देखने में मदद देती है। हम रात को क्या बंद करके सोते हैं? यस, अपनी आईज, है ना, मज़े का था ना ये। नाउ पेज नंबर 19, बेटे इट्स एक्टिविटी, इंशाल्लाह व्हेन वी कम टू स्कूल वी डू आवर एक्टिविटी। एंड द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 20, ओपन, राइट डाउन डेट 16, 7 एंड 20, एंड द डे इज थर्सडे। नाउ दिस इज ऑल्सो अ गेम, प्ले 5 सेंसेस स्पिनर गेम, यू हैव अ स्पिनर, है ना हम सबके पास। दिस गेम इज कॉल्ड 5 सेंसेस स्पिनर गेम, एज इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर, एंड राइट बिलो योर टच स्मेल हेयर्ड एंड सो एट दैट डे, क्या आपने उस दिन क्या चीज़ टच की, स्मेल की, यू हैव हेयर, आपने सुनी, एंड सो आपने देखी, और दीज आर ऑल द सेंसेस। ओके, राइट एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स। ओके, लाजमी नहीं आप यही लिखे, आप और भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आईज है, आपकी आंखें हैं, आप अपनी आईज से क्या देखते हो? यस, आई सॉ टेबल, आई सॉ चेयर, आई सॉ बुक, पेंसिल, स्टार, सन, मून, क्लाउड, बस, कार, एवरीथिंग यू हैव टू सी, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5। ओके, आप डिफरेंट भी लिख सकते हो, जो आप देखते हो आप वो लिखो, एंड यू हैव टू ट्राई ट्राई इट बाई योर ओन सेल्फ, कोशिश क्या करें आप खुद भी करें। ओके, देन आई हेयर, आई हेयर विद माई ईयर, यस मैंने आपको कितनी बताया ना, हेयर के अंदर ही ईयर के स्पेलिंग होते हैं।
यस आई हेयर, यस वट यू हेयर, यू हेयर द बेल, मोबाइल की बेल भी हो सकती है, डोर बेल भी हो सकती है, यू हेयर द बर्ड वॉइस, टीचर्स वॉइस, टीचर की आवाज़ आती है, देन अजान, नाथ, बस हॉर्न, दीज आर ऑल द वॉइसेस यू हेयर विद योर ईयर, देन टेस्ट, यू टेस्ट, यस यू टेस्ट बिरयानी, पिज्ज़ा, एप्पल, मैंगो, ब्रेड, एनी थिंग्स यू हैव टू टेस्ट, यू हैव टू राइट इट डाउन, देन आई स्मेल विद माई नोज, क्या सूंघते हैं आप अपनी नाक से, यस यू स्मेल रोज परफ्यूम, पिज्ज़ा स्मेल, बिरयानी, इट्स अ लिली फ्लावर, जैस्मीन, दीज आर ऑल द स्मेल जो आप सूंघते हैं अपनी नोज से, देन द लास्ट इज आई टच विद माई हैंड्स, अब अपने हैंड से क्या टच करते हैं, आई टच द टेबल, बैग, चेयर, पेंसिल, बैट, बॉल, योर टॉयज, योर कार, एनी थिंग्स यू हैव टू टच, ओके यू हैव टू राइट डाउन एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल, एनी थिंग बट रेलिवेंट टू दीज वर्ड्स, ओके सॉ, हियर, टेस्टेड, स्मेल एंड टच, ओके यू हैव टू राइट इट डाउन, ओके थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।